सृष्टि में बहुत प्यार है, बहुत साथ है, सिर्फ ढूंढने की देरी है। सही बात है, मैं तो फालतू ही परेशान था, मुझे मेरे अपने छोड़ दो। मैं बात भूल गया था कि पूरी दुनिया ही मेरी। पर ये बात बताइए, लोग वो माया मेरे मन से जाती ही नहीं है, उससे कुछ उपाय बताइए। कहाँ से लाए पैसे? आप कैसे खरीदे लॉटरी का टिकट? अरे रोहित,
रास्ते में नहीं थे। आखिर ये क्या हुआ कि अपनी पुरानी पुस्तकें बेच डाली जाए और उन पैसे से लॉटरी का टिकट खरीदा जाए। अरे पुस्तकों से ज्यादा बेजरूरत चीज इस समय तो हम पे कुछ ना ठहरी। और वैसे भी अगर नायक के पास है, अरे लेकिन जिन लोगों ने डिग्रिया ली, अरे आपके बोली घर के रुपए बर्बाद करे, उन्होंने क्या उठा लिया, वो भी तो जूतियां ही चटका रहे थे, उनसे तो भले हमें ठहरे। और फिर किताबें दीमक के सिवा हमारी किसी काम की ना थी, जितना सब निकलते बना निकाल लिया, तो किताबों को करना बांधा और चल दिए उसे बाजार में बेचने। चल चल एक यार ये किताबें तू ही बेच कर आ, क्यों भाई मैं ठहरा मास्टर आदमी, अरे बच्चों को किताबों का महत्व बताता हूँ और खुद ही लॉटरी के टिकट के लिए किताबें बेच रहा हूँ, शर्म वाली बात है ये। किताबें बेचने का तो था लेकिन 10 लाख रुपए कुछ कम ना होते, कम से कम 5 लाख तो हमारे हिस्से में आएंगे और 5 लाख भी कहाँ कम होते हैं बताइए।
चिलबिली, विक्रम की छोटी बहन, सबसे छोटी, सबसे मोटी और सबसे खोटी कुंती। अरे दोनों भाई बहनों में तो एक मिनट की भी ना पटती है। मुझे याद
रहे हो? कहाँ से आ रहे हो भाई? और इतने ढोंगी बाबा के पीछे पड़े हो, लड़ क्या होगा हम मुझे आ रहे हो? अरे ओ चाचा, पहले तो छक्का लगा दी चैन, और हमने आपसे कभी एक रुपया मांगा है क्या? भाई हम तो कहते हैं किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा इंसान गंदी नाली में डूब मरे जाके। आप एक बार तो भगवत की और इनकी कृपा लग जाने दीजिए, फिर देखिएगा हमारी लॉटरी ऐसे लगेगी ऐसे, और आप सबको पूछना देने वाले हम, देख लीजिएगा। अरे मेरा राजा बेटा। अरे अम्मा बहुत स्वार्थी हम, तुम्हें भी पूछना देंगे, चलते हैं। हमने कहा था ना जैसे पैसे मिली गए हो असली प्लान है तो कहीं और ही हो रही है, आइए चलते हैं। इस समय मेरे लिए 10 लाख रुपए दिखा रहे हैं, तुम्हें तो पता ही है यात्रा वाली स्कीम तो कट नहीं सकती, अब उसमें पहले भी तो गायब हो गया ना, क्या करें? कहाँ से लाए पैसे? आखिर यात्रा में 2 लाख से ज्यादा थोड़ी खर्च करोगे तुम? जी नहीं, पूरे 3.5 लाख का बजट है, पूरे 7 वर्ष का प्रोग्राम है, 50,000 रुपए सालाना खर्च होंगे, यानी कि 3-4 हजार रुपए महीना। अरे हमें लगता है तुम 2,000 रुपए महीने में भी आराम से तुमने भिखारियों की तरह ले रहा है, लेकिन मैं ना मुझे अपने हिस्से से 3 लाख रुपए देने होंगे, अभी तो पुस्तकालय बन पाएगी ना। अरे कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा पुस्तकालय शहर में सबसे बड़ा हो। मैं तो बेजोड़ पढ़ाई बनवाऊंगा। हाँ देख भाई तुझे ना इस बात का प्यार है, अरे हमारी जिम्मेदारियों को तो देखो, 2 बहनों का विवाह कराना है, 2 भाइयों की शिक्षा है, और नया मकान भी तो बनवाना है ना भाई ना, ये हमसे ना हो पाएगा। अरे हमने तो पहले ही निश्चय कर लिया है कि जितने भी रुपए होंगे ना सब बैंक में जमा करा देंगे और उनके स्कूल से ही काम चलाएंगे। ऐसी दशा में तुमसे पैसे मांगना भी तो अन्याय है, मैं पूरी तकलीफ उठा लूंगा, पर बैंक के सूद की दर बहुत गिर गई है ना। ऐसे हाँ चलो पता करके चलिए। चल 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 तो देखते जाइए, गांव बसा रहे लटे पहले आ गए। चलो चलो व्यक्त है ना, बताओ हमें लूट रहे एकदम, सही कह रहे हैं। हम तो कहते हैं एक कारोबार शुरू करते हैं लेन देन का, साझे में जो पैसे आएंगे उन्हीं से कोठी चलेगी। अरे जब कुछ पैसे जमा हो जाए तब तुम भी चले जाना अपनी यात्रा पर, अरे लेन देन में सूद भी अच्छा मिलेगा और अपना रॉक भी अच्छा जमेगा। चल बैठते हैं। चल पर मैं बिना जमानत जब अच्छी ना हो ना किसी को पैसे नहीं देता, चाहे वो मेरा कितना ही खास क्यों ना हो। अरे हम तो कहते हैं कि जमानत पर रुपया दे क्यों, जायदाद रहे खाकर रुपया देंगे, फिर तो कोई घर का रही बोल सुन लेगा। अरे क्या सुन लेगा, उन्होंने भी साझे में लौटे का टिकट खरीदा है। अगर हमारी लॉटरी निकली तो तुझे
जिस तरह से लेंगे मैं अपने तीनों से लाद देंगे कसम से। बस तू अल्लाह ना करे तो मुझे छोड़ो। बहन तेरे सर से लेकर पाँव तक हीरो और सोनों में मर देंगे। अरे तेरे कान में हीरा, तेरे नाक में हीरा, तेरे मुंह में तेरे गले में हीरा। बस हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करियो। कुंती के पेट में एक क्विंटल मिठाई बच सकती थी लेकिन विक्रम की कोई बात बच गई ऐसा कैसे हो सकता था। फिर वो अंदर भागी और जो हुआ किसी का नाम है मैं सबका बराबर समझे।
मेरी बीवी का और मेरे बेटे का उससे कोई संबंध नहीं होगा। छी 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 छी, मुझे नहीं पता था तुम्हारी नियत ऐसी है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं भी अपने नाम के चार टिकट खरीद लेता। आहा, तो ये तेरी गलती हुई ना। गलती नहीं, विश्वास था कि तुम मेरे बड़े भाई हो। आपको ये समझ लेना चाहिए था, ये जुआ है। जुए में हार जीत का संबंध खानदान से नहीं होता। अगर कद्दू आप 5 से 10 हजार रुपए रेस में हार आए तो उसका जिम्मेदार खानदान जो रही होगा। मगर भाई का हक दबाकर आप सुखी नहीं रह सकते। ना तो आप ब्रह्मा है, ना ही विष्णु है, और ना ही कोई ईश्वर जो अपने श्राप दे रहे हैं। आप लोग ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? आप मुझे क्या समझा दी है? उन्हें समझाइए जो चार चार टिकट लिए हुए बैठे हैं। मेरे पास क्या है? एक टिकट, उसका क्या भरोसा? मेरी अपेक्षा जिन लोगों को रुपए मिलने का चौगुना चांस था उनके लिए टिकट जाए तो ये बहुत लज्जा और दुख की बात है। अरे नेहा जी, मेरे रुपए में से आपके आधे आप तो खुश? अरे ये आधे कैसे ले लेगा? मैं तो इस पे गहरा भी ना दूं। चलो फिर तीसरे पांचवे हिस्से दे सकते हैं, लेकिन आधे हिस्से का दावा किस नियम पे हो सकता है भला? ना बहुत देख, ना धार में, और ना ही नहीं थे। हाँ तो जैसे सारी दुनिया का कानून तो आप ही जानते हैं। हाँ जानते ही होंगे, 20 साल वकालत जो की है। सारी वकालत सब निकल जाएगी जब कलकत्ते में बैरिस्टर को खड़ा कर दूंगा। हाँ तेरे बैरिस्टर की ऐसी तैसी, चाहे वो कलकत्ते का हो या लंदन का। मैं आधा लूंगा आधा, जैसे घर की जायदाद में से आधा हिस्सा मेरा है। बोलो जो बाबा बहुत जोर से मारते हैं क्या? जोर से थोड़ी मारते होंगे। अरे चाचा, जो
सामने वाला इंसान गिर ना जाए, अरे बेहोश ना हो जाए, तब तक पत्थर दागते रहते हैं, समझे? अच्छा कह रहे थे इधर थोड़ा और देखिए, हां हां बंद हो जाओ। नहीं 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 नहीं, अरे भैया, आखिर वो दिन आ ही गया, भाग्य के निपटारे का दिन, यानी जून की 24वीं तारीख कटल का दिन। आज जब समारोह है तो घर में नशा सा चढ़ा हुआ था, आशा और भय के ध्वनियों का आज हमारे जीवन में भगवान के लिए श्रद्धा जाग ही गई। तो जाने लगे हम मंदिर उनकी स्तुति करने और क्या देखते हैं कि अरे मंगल बाबा मंगल हरी प्रभु सुदर्शन राजा रवि हरी जय सिया रामा जय सिया रामा जय सिया रामा। ज्यादा है आपकी तो पते ही पते हैं। भगवान की
लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी नियत में खोट आया ना? अरे अब इस बात पे पढ़ रही है तू,